नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाए यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार पेश है जागृति के अग्निकण में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा 11 एवं 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय फूड कल्चर एवं टूरिज्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने भारतीय संस्कृति में अन्न की महत्ता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम केवल अन्न की शुद्धता पर ही नहीं शरीर पर उसके वैज्ञानिक प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाता रहा है। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित जैसा खाए अन्न वैसा हो मन की विस्तृत व्याख्या की। The money coming through wrong means goes to the wrong hands, and wrong hands use it for wrong food, and the wrong food creates the wrong culture. That's what he said. Food creates the culture, and that man was not convinced. He said, "How can food be connected to culture? These two are different things." Himgiri Z University के Vice Chancellor Professor Bangri ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को बांटा। Wherever you are going, you must show your culture. That this is the way. If I go like that, I will have my own identity that I am from Gayatri Parivar, and because of Gayatri Parivar, I will be known in the world. I will be known in the world. But because of wearing this tie, I won't be recognized anywhere. Because so many tie walas, so many suits are common in the market. कसरावत मध्य प्रदेश में वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत 108 त्रिवेणी और 400 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर लगभग 4 एकड़ भूमि पर श्री राम स्मृति उपवन बनाया गया। यहां के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा 1 माह के समय दान से ये क्रम संभव हो सका। गांव के लोगों के सहयोग से इस भूमि के सिंचन के लिए ड्रिप की व्यवस्था बनाई गई। राष्ट्रीय एकता परिषद एवं राष्ट्रीय युवा योजना से जुड़े 264 युवाओं का सेमिनार गायत्री तीर्थ शांति कुंज में संपन्न हुआ। भारत भर के कई राज्यों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने युवाओं को अपनी मर्यादा का पालन करने, अवांछनीय कार्यों से बचने एवं राष्ट्रीय एकता समता के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प करवाया। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से
बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इससे पूर्व डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने राष्ट्र ध्वज को फहराकर सलामी दी। दिया मुंबई ने गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तनाव प्रबंधन के अंतर्गत योग साधना का नियमित क्रम प्रारंभ किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सोमदत्त तिवारी ने छात्रों को योगाभ्यास के साथ दैनिक जीवन में तनाव प्रबंधन विषय पर मार्गदर्शन दिया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला से उन्हें न केवल योग साधना का लाभ मिला बल्कि उनके नियमित अभ्यास क्रम में भी इसका फायदा मिलेगा। ब्रह्मनगरी पुष्कर में आत्मशक्ति उद्भव और तीर्थ चेतना जागरण के लिए सावित्री साधना सत्र का शुभारंभ हुआ। भगवान ब्रह्मा को स्फूर्णा हुई कि जो भगवान विष्णु की नाभि कमल निकला उसमें मैं उत्पन्न हुआ, उसी को पुष्कर कहते हैं, मैं उस स्थान पर एक बार जाना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा ने विचार किया और वो इस आरण्यक में आ गए। उस समय आरण्यक के रूप में था, पूरे लताओं पताओं ने उनका स्वागत किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वर, तो उन्होंने मांगा कि आप यहीं रहें। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मैं यहीं निवास करूँगा। कई कल्प तक ब्रह्मा जी वहाँ रहे। आदि तीर्थ इसलिए है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त लोग वहाँ पहुँचे। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ दो बार पधारे। एक बार तो एक रानी का वहाँ उन्होंने उद्धार किया, वो विक्षिप्त थी उसको ठीक किया। उसके बाद 1980 में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परम पूज्य गुरुदेव एक ही कक्ष में रह के तप किया 5 दिन तक। और उन्होंने कहा बेटे मैंने गायत्री और सावित्री को मना करके एक साथ कर दिया। गायत्री परिवार ने एक बड़ा अभियान लिया, 8 प्रकार की सेवा का व्रत लिया है। पहली सेवा की इस पुष्कर के तीर्थ का महत्व जन जन तक पहुँचाओ, जो गुप्त है, जो लोगों को मालूम नहीं कि सरोवर तक ही है, तो उसको पूरा उजागर करना। यहाँ जो तपस्थलियाँ हैं, यहाँ ऋषि मुनि हैं, यहाँ भगवान हैं, यहाँ ब्रह्मा जी सदैव विराजमान रहते हैं, तो वो बातों को लोगों को आस्था, लोगों की श्रद्धा संवर्धन करना तीर्थ माध्यम के माध्यम से। दूसरी सेवा गायत्री सावित्री वहाँ मौजूद है, तो घर घर में उस जगह गायत्री होनी चाहिए। तो गायत्री करें या सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, लेकिन घर घर में ये सूर्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना। तीसरा हमारा अभियान ग्रामे ग्रामे यज्ञ सेवा, क्योंकि पूर्ण संपूर्ण भूमि यज्ञ भूमि है। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ किया है, यज्ञ की ऊर्जा वहाँ मौजूद है। तो प्रत्येक गाँव में यज्ञ और प्रत्येक घर में बलिवेश वापस ये प्रारंभ हो। अगला है पावन पवित्र पुष्कारांचल, ये तट भी, सरोवर भी, बाजार भी और पूरे आरण्यक में साफ सफाई, पवित्रता। और ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि तीर्थ कैसा होना चाहिए, तो वैसा तीर्थ हम बनाने का प्रयास करेंगे, समय तक वातावरण निर्माण करेंगे। अगला है आरण्यक वन सेवा। अब आरण्यक वन में, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने लता वृक्षों से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं यहीं रहूँगा, तो ब्रह्मा जी तब यहाँ रहेंगे जब लता आदि ज़्यादा हो। तो हमारा ये अभियान है कि करोड़ों वृक्ष रोपण उस चौरासी कोस में, उस क्षेत्र में हो, और हर घर से हर व्यक्ति ब्रह्मा के रूप में एक वृक्ष लगावे, ऐसा हमारा अभियान पुष्कर आरण्यक वन सेवा। और अगला हमने विद्या विस्तार, विद्या सरस्वती वहाँ मौजूद है, चारों वेद वहाँ से निकले हैं, तो उस ज्ञान सेवा, घर घर में विद्या विस्तार, ज्ञान मंदिर की स्थापना, प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छी साहित्य जाए, ये हमारी विद्या विस्तार सेवा रहेगी। अगला जो हमारा ग्राम तीर्थ स्थापना, प्रत्येक गांव को गोद लेंगे और 5-10 वर्षों में हम प्रत्येक गांव में तीर्थ रूप बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये फिर प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा समाप्त हो गई और ये पुष्कर तक ही रहती, इस प्रदक्षिणा को हम प्रारंभ कर रहे हैं वापस। 13 नवम्बर से 17 नवम्बर की परिक्रमा का एक प्रदक्षिणा का एक योजना बनाई है। इसमें एक परिक्रमा होगी 24 कोसी पदयात्रा, सैकड़ों लोग इस नारी वो करते हुए, कीर्तन करते हुए, जगह जगह अभिषेक करते हुए, तर्पण करते हुए, दर्शन करते हुए करेंगे। एक 84 कोस की रथ यात्रा,
शांतिकुंज की टोली के शांतिकुंज के प्रतिनिधियों की अगुवाई में चलेगी और वो परिक्रमा करता हुआ सभी तीर्थों से जल लेता हुआ ये पूर्णिमा को वापस आके दीपक करके समापन करके उस यात्रा का समापन होगा। ये एक पुनर्जागरण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने पता नहीं इस गायत्री शक्तिपीठ को तीर्थ जागरण के सबसे पहला घोषणा उन्होंने इसकी की और अब ये सत्र 11 से पूर्णिमा हर महीने चलेंगे। लेकिन ये जो 11 है इसमें क्या लाखों लोग आते हैं, मेला बढ़ता था। ये हमारी परिक्रमा प्रदान होगी, तीनों स्तर की साधना, तीनों समय संध्या, तीनों समय प्रदक्षिणा, वो यूं के यूं चलेगा। लेकिन इसके साथ तीर्थ जागरण का काम, पुष्कर कथा के माध्यम से सावित्री गावित्री की कथा, गुरु जी की कथा, सातों आंदोलन करेंगे और धीरे धीरे ये परंपरा चालू होने के बाद वहाँ की जो श्रद्धा है वो ऐसी जुड़ने वाली कि हजारों लोग फिर से परिक्रमा को करेंगे। ये बंद हो गई लगभग, तो वापस प्रारंभ कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। ये सावित्री साधना का ही अंग है जो हमने लिया, एक एक परिक्रमा सावित्री साधना, 12 महीने सावित्री साधना, सृजन साधना। इसके भाग्य पर नहीं चरित्र पर निर्भर रहो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महापुरुषों के साथ बिताई गई अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। पिताजी में एक बहुत बड़ा गुण था कि वो बच्चों के साथ बूढ़े बनकर नहीं रह सकते थे, वो बच्चों के साथ उसी उम्र के वैसे ही बच्चे बन के रहते थे और प्रभाव ये डालते थे कि वो दूसरा जो बच्चा है वो बड़ा ना समझे बल्कि अपना दोस्त समझे। इसका सबसे जो खतरनाक प्रभाव पड़ा वो हमारे ऊपर पड़ा। हम पिताजी कितने थके हुए हैं, कितने काम करके आए हैं, इसकी परवाह बिना किए हुए जब वो 8:30 के करीब खाना खाते थे और खाना खा के जब वो चारपाई पर लेटते तो सब के सब उनके ऊपर आ जाते और उसी चारपाई पर, चारपाई तो छोटी है पर उसी पर ज़बरदस्ती बैठते थे और मेरा जैसा आदमी तो उसी पे ही सोता था। हम अपने पिताजी को चाचा कहते थे घर में कि चाचा जी ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बोले अच्छा हम ऐसी कहानी सुना देंगे जो तुमने कभी न सुनी हो, बल एक शर्त है कि अगर वो कहानी तुमने पहले सुनी हो कभी बता देना मुझे, तो मुझे आगे की बात बता देना, फिर मैं वो कहानी बंद कर दूंगा, दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अचरज होता था कि वो कहानी हमने कभी सुनी ही नहीं थी। रोजाना एक व्यक्ति रोज नई कहानी ऐसी सुना दे जो हमने कभी ना सुनी हो। उनसे छोटा भी, किसी उम्र में हो छोटा, व्यवहार में छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, वैसे ही छोटा हो, तो वो अगर वो कुछ कह दे तो उसे बर्दाश्त कर लेते थे, चुप रह जाते थे। ये उनका विशेष गुण था कि अगर उनका कोई भी नज़दीकी से नज़दीकी आदमी ज़ोर से बोल रहा है तो वो उसको ये नहीं कहेंगे कि धीमे बोल या उतने ही गुस्सा में बोल उठे, वो गुस्सा का को कैसे पी जाते थे। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मैं कभी अभी पिताजी पर गुस्सा हो जाता था और वो मेरे को कैसे सह जाते थे। आज मुझे ऐसे लगती है कि मुझे लानत देनी चाहिए मेरे ऊपर कि मैं अपने पिताजी पर नाराज़ कैसे हो जाता था, पर हो जाता था, पर वो सह लेते थे। मैं तो नहीं सहता अपने बेटे की, लेकिन वो सह लेते थे। ये उनमें अपना उनका विचित्र जो मुझे याद रहना चाहिए उनका स्वभाव है। गुरुजी पिताजी स्वयं अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों का जैसा समझ करके उनको खुद खाना परोसते थे और मेरा सौभाग्य है कि कितने ही बुज़ुर्ग मुझे ये मिलते हैं मैं कि हमने माताजी के हाथ का बनाया खाना, पिताजी के हाथ का बनाया परोसने वाला खाना हमने खाया है। हमें वो सौभाग्य है कि जो गुरुजी से हम कितनी देर तक बातचीत कर सकते थे और वो हमारे आंतरिक उलझनों को आराम से सुलझा देते थे। मैंने जो देखा अपनी आंखों से उनको मैं कहता हूँ तब क्या होता है? किसी काम को पूरे मन से, हठ योग से, पूरे मन से, ध्यान से करें, मैं इसको तप कहता। मेरे शब्दों में ये तप है कि
कोई आदमी चाहे शारीरिक स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी हो, कुछ भी कैसी हो, लेकिन जो मन में सोच रहा है उसको कर डाले, ये तप है। मैंने पिताजी में ये गुण देखा। कब से कब तक देखा? सन 1935 से 90 तक जो मैंने आचार्य जी को रोज का देखा, वो सचमुच एक तपस्वी के रूप में देखा। वो जिस काम को करते थे, चाहे शरीर, चाहे परिस्थिति, चाहे कुछ कैसी भी हो। मैं एक बार शांति कुंज में पिताजी के पास बैठा हुआ था, तभी मुझे मालूम हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के जो उपकुलपति हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि आचार्य जी मुझे ये बताइए, आप 16-17 साल तक तो आप आर समाज मथुरा होली गेट के और चांदनी और चौक के आर समाज के प्रधान रहे और प्रेसिडेंट रहे, फिर भी आपने ये क्या किया हुआ है? बोले मैं तब आर्य समाजी था और अब क्या हूँ, अभी मैं वही आर समाजी हूँ। और ये देखिए, उन्होंने अपना संकेत करके दिखाया कि ये जो महिलाएं जो खाना बना रही हैं शांति कुंज के लिए, ये सारे के सारे पंडित नहीं हैं, ये विधवा हैं, ये गरीब हैं, ये मजबूर हैं, और वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण भी ले रही हैं और वो काम भी कर रही हैं, और जो कुछ है क्योंकि वो कम पढ़ी हैं तो वो अपने ये इन्होंने अपनी इच्छा से ले रखा है। और बताइए कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनको जब तक आप कोई मूर्त रूप नहीं देंगे तो वो नहीं समझ सकेंगे। स्त्रियों के अधिकार के विषय में जितना दयानंद सरस्वती जी ने कहा, उतना और किसी ने कहा नहीं। स्त्रियों के लिए अधिकार की, स्त्रियों के शिक्षा की, स्त्रियों के उच्च स्तर को ऊंचा करने के लिए उन्होंने जो काम किया, यही काम मैं और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप मुझे बताइए कि सवर्ण अवर्ण का अंतर मिटा करके आइए, सब के सब पंडित हैं? नहीं, ये हमने पूछा भी नहीं ये कौन सी जात की हैं, और ये खाना बनाती हैं, और नीचे आप देखिए कि सब लोग खाते हैं। तो हमने और कोई अगर कोई कमी रह गई हो जो आर्य समाज के कार्य में, मुझे बताइए, मैं उसे करूँगा। मैं तो अभी भी अपने आप को आर्य समझता हूँ। आशा सर्वोत्तम प्रकाश है और निराशा घोर अंधकार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान पेश करते हैं जिज्ञासा में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हमारी संस्कृति में सदैव से जीवन को परमात्मा का एक बहुमूल्य उपहार माना गया है। जीवन को ही प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। जीवन के इस देवता की साधना आराधना कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री नमो नारायण पांडे जी। आपका स्वागत है। पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन वास्तव में क्या है? यह शरीर जिस दिन से मिला, एक क्रम शुरू हुआ, वही जीवन है, उसी को जीवन यात्रा कहा है। जब मृत्यु हो जाती है जीवन समाप्त हो गया, जन्म से जीवन शुरू हो गया। तो शरीर प्राप्त करना और फिर जीना, यही जीवन है। शरीर प्राप्त करना और जीना, यह जीवन है। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ को यदि हम जीवन कहें तो यह क्यों कहा गया कि जीवन अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवता है? देखिए, यहाँ बात दूसरी है। इस धरती पर 84 लाख शरीर हैं, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति मानती है, लेकिन उनमें मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। नर समान नहीं कौनियु देही, इस मनुष्य शरीर के समान, देह के समान कोई देह नहीं है। तो ये देह जिस जीवात्मा को प्राप्त हुई है, इसलिए सौभाग्य कहा गया है कि हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं को लेकर के जब भी हम चर्चा करते हैं तो उन्हें हम कहीं मंदिरों में देखते हैं या उन्हें कहीं चित्रों में देखते हैं, और एक आम युवा या एक आम समाज का व्यक्ति उन्हें सिर्फ वहीं तक सीमित करके देखता है। लेकिन जब हम कह देते हैं जीवन ही देवता है,
तो इस बात को व्यवहारिक रूप में वो कैसे समझें? देखिए, देवता शब्द एक समझने वाला विषय है। देवता से लोगों को ये अनुभव होता है कि कोई एक स्वर्ग लोक है जहाँ कोई लोग निवास करते हैं, शरीरधारी, जिन्हें हम देवता कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक अलंकारिक चित्रण है। देवत्व गुण है, जैसे ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उस अनंत गुणों का भंडार है। तो उसके जो अलग अलग गुण हैं उनको हमारी संस्कृति में देवता नाम दिया है। जैसे सृजन की शक्ति को ब्रह्मा जी कहते हो, देवता हैं। पालन, दूसरों का पोषण करना, ये एक गुण है, उसको विष्णु कहा है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो बुराई है, गंदगी, उसको साफ करना, हटाना, नष्ट करना, ये एक गुण है, उसको शिव कहा है। बुद्धि के देवता को गणेश जी कह दिया है और ज्ञान की देवी को सरस्वती कह दिया है। तो एक ही परमात्मा की अनेक शक्तियों को हमारे यहाँ देवता शब्द से उनको समझा गया है। हम ये माने तो समझ में आता है कि देवत्व जो है अपने आप में सद्गुणों का समुच्चय है। सद्गुणों का समुच्चय है। प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को मनुष्य को प्रदान किया है। मनुष्य नर और नारायण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तत्वतः दोनों एक हैं। जो गुण परमपिता परमात्मा में है वो समस्त गुण मनुष्य में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से। और जीवन का लक्ष्य है उन गुणों को हम विकसित करें। जीवन देवता का अर्थ है कि हमारे अंदर जो परमात्मा के गुण सूक्ष्म विद्यमान है उन गुणों को हम विकसित करें। इसलिए कहते हैं मंदिर में जो देवता हैं वो वास्तव में परमात्मा के गुण के ही प्रतीक हैं। उनका हम दर्शन करें, उनका स्मरण करें, इसलिए कि उन गुणों को अपने जीवन में धारण करें। लेकिन वास्तव में केवल मंदिर में जाके दर्शन कर लेने से कोई लाभ नहीं है यदि हम अंदर के गुणों को विकसित नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि जीवन है प्रत्यक्ष देवता, इसको ही पूजो, आराधो, छोड़ो सभी इसी को साधो। कोई भी मनुष्य अपने आंतरिक गुणों का यदि विकास करता है तो वो प्रत्यक्ष देवता बन सकता है। मतलब हम अपने शरीर को ही भगवान का एक मंदिर मान सकते हैं, ऐसा कुछ आपने कहा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम जीवन देवता की साधना आराधना की बात करते हैं तो इससे हम क्या समझें? आंतरिक गुणों के विकास की प्रक्रिया का नाम है साधना। अपने साधना माने साध लेना, अपने आप पर नियंत्रण करना। जो बुरी वृत्तियां हैं, जो पतन की ओर वृत्तियां, भोग की ओर वृत्तियां ले जाने हैं, उन पर नियंत्रण करना, ये साधना। और जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं उनको जागृत करने का श्रम करना, पुरुषार्थ करना, जैसे ध्यान करना, जप करना, आसन करना, प्राणायाम करना, आदि आदि करना, तो इसको कहते हैं साधना। साधना से दुष्प्रवृत्तियों का नाश होता है और सत्प्रवृत्तियों का जागरण होता है। तो व्यक्ति एक श्रेष्ठ पुरुष बनता हुआ चला जाता है, आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करता चला जाता है, देवताओं के जो गुण हैं वो उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो ये हो गई साधना। अब जो हमारे अंदर गुण विकसित हुए, जो शक्ति हमने प्राप्त किया, उस शक्ति को हम अच्छे काम में नियोजित कर दें, यह आराधना। ऊर्जा का उत्पादन एक बिंदु है, एक पक्ष है, और ऊर्जा का नियोजन दूसरा पक्ष है। धन कमाना एक पक्ष है और धन खर्च करना एक पक्ष है। किसी ने धन कमा लिया वो एक पुरुषार्थ है, हर आदमी धन भी नहीं कमा पाता। लेकिन धन कमा करके अगर धन का दुरुपयोग करने लगे, व्यसनी हो गया, तो अभिशाप बन गया। जैसे हमारे यहाँ जो राक्षस कहलाए हैं उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पैदा की थी, घोर तप किया था, लेकिन उस ऊर्जा का नियोजन उन्होंने गलत किया, इसलिए असुर कहलाए। और देवता कौन है? जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा भी करते हैं और उसका सही सदुपयोग करते हैं, वो ऋषि कहलाए। जगतगुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, परम पूज्य गुरुदेव पंडित शर्मा आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, ये इस युग के ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तप से ऊर्जा का संचय किया और लोक मंगल के उसका नियोजन किया तो महापुरुष कहलाए। तो लोक मंगल के लिए ऊर्जा का नियोजन करना, यह है आराधना। और ऊर्जा को प्राप्त करना, संग्रह करना, ये है साधना। जीवन, जीवन देवता, जीवन देवता की साधना आराधना, इन शब्दों मात्र को भी जब एक आम आदमी सुनता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये मेरा विषय नहीं है। उस आम आदमी तक संक्षेप में हम क्या ऐसा संदेश पहुंचा सकते हैं कि वो भी माने कि नहीं, सचमुच इस विषय में मुझे भी सोचना चाहिए? आम आदमी को आध्यात्मिक संस्कार ही नहीं मिले, वो भौतिकता में इतना लिप्त है और एक लंबे समय से एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जीवन का लक्ष्य बन गया है धनोपार्जन, कमाना, खाना, ऐश करना और जैसे भी वो सफलता प्राप्त करना, इसलिए उसको डर लगता है। तो युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो प्रज्ञा अभियान का क्रम चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि हम आदमी को बताएं कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और साधना क्या है। हम अपने जीवन को ही देवता मान करके कैसे हम संपन्न समर्थ बन सकते हैं कि हमको किसी के हाथ में फैलाना पड़े और हम स्वयं समर्थ बन करके अपना भी भला करें, स्वयं सुखी रहें और दूसरों का भी उपकार करें, उनको सुख प्रदान करें।
जिस तरीके से आपने बात बताई, मुझे ये समझ में आता है कि निश्चित रूप से यह विषय किसी धार्मिक बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसे कहीं समेटने की कोशिश करे तो इसे मानव मात्र के प्रति हम कैसे इसके प्रति सबको अवेयर कर सकते हैं? बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि जो धर्म का स्वरूप है वो सांप्रदायिक हो गया है और परमात्मा सांप्रदायिक नहीं है, उसने मनुष्य शरीर बनाया है। तो किसी हिंदू या किसी ब्राह्मण के शरीर में जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं, वही गुण दुनिया के किसी भी शरीर में है, चाहे वो गैर हिंदू हो, चाहे गैर हिंदुस्तान के बाहर का रहने वाला हो, तो सारे मूल रूप से प्रतिभा गुण परमात्मा द्वारा प्रदत्त सभी के अंदर हैं। तो देवन देवता का अर्थ ये यदि समझाया जाए, समझा जाए कि हमें आंतरिक गुणों का विकास करना है और दूसरों को भी उसका लाभ पहुँचाना है, तो व्यक्ति साथ समझेगा। जीवन की इस गूढ़ परिभाषा को बड़े सरल ढंग से आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी ने जाना कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और जीवन कैसे अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवता है। जीवन की इस परिभाषा को एक आम आदमी भी अपने जीवन में यदि समझ ले और उस आधार पर अपना वैयक्तिक विकास करे तो उसके अपने वैयक्तिक जीवन और उसके जो व्यावसायिक जीवन है दोनों में उसको विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस परिचर्चा के आधार पर हम इस चीज़ को समझें और अपनी महत्ता को खुद से जानें और खुद के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए देखते हैं प्रज्ञा गीत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम शत शत Me
सब हो पुरन काम सदगुरु तुमको प्रणाम सब हो पुरन काम सदगुरु तुमको प्रणाम शत शत तुमको परिस्थितियों में भी जो ईमान साहस और धैर्य को कायम रख सके वस्तुतः वही सच्चा शूरवीर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृत वाणी में। उपासना जीवन का बहुमूल्य निधि है और उस निधि से हट जाते हैं तो खोखले रह जाते हैं, निर्जीव रह जाते हैं। उपासना आत्मा की भूख है और आत्मा की भूख जब तक आत्मा को खाना नहीं मिलता है तो वो तृप्ति नहीं होती आत्मा की। दिमाग की भूख बौद्धिक भूख होती है और आत्मा की जो भूख होती है वो उपासना होती है, और उपासना होती है वो तो जो भगवान के पास बैठना समीपता समीपता बड़े व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो वही छाया हमारे ऊपर पड़ती है और हम भी
हमारा भी उतना ही महत्व हो जाता है जितना कि बड़े व्यक्ति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है और राष्ट्रपति का होता है जो उस समय उनके समीप होते हैं, तो उतना ही सम्मान उसको मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। भगवान, भगवान हमारा उससे भी ऊंची सत्ता है और भगवान हमारा राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। जब हम उससे मिल जाते हैं, भगवान से जब मनुष्य मिल जाता है तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे कीट और भृगु, जब भृगु आवाज़ देता है अपनी भाषा में तो कीट उसके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, उसमें मिल जाता है, कीट उसमें मिल जाता है। और नाला, पहले वो गंदा होता है और जब गंगा में मिल जाता है तो गंगा का स्वरूप हो जाता है कौन, नाला। तो भगवान में भक्त मिला लेता है तो वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। समर्पण, समर्पण, जब तक समर्पण नहीं किया जाएगा, जैसे पत्नी समर्पण कर देती है, जिस दिन से आती है अपने पति का सारा पिछला जीवन भूलती हुई चली जाती है। कल जो लड़की सूट बूट पहने फिरती थी, बाल कटाए फिरती थी, कहना नहीं मानती थी, और दूसरे ही दिन से उसका काया पलट हो गया। कैसे हो गया? वो हो गया उसके समर्पण से, पति के लिए वो समर्पण हो गई। तो फिर क्या हो गया, पति का जो भी संपत्ति थी उसकी, उसकी वो स्वामिनी हो गई पत्नी। तो उस पर ब्रह्म के हम पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि हम उससे उसके समीप हो जाए तो फिर हम वही हो जाएंगे जैसा कि मैंने अभी बताया है। पहले समर्पण, पहले दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, वो तो मिलता ही है। दो हाथ से दिया जाता है, हजार हाथों से मिलता है। गुरुजी ने कई बार उदाहरण दिया है कि भगवान हमने कहा भगवान से और भगवान ने हमसे कहा, बेटे कुछ मांगना है क्या, अपने बच्चों के लिए मांग ले, अपनी पत्नी के लिए मांग ले, अपने लिए मांग ले, तूने इतना तप किया है। बराबर इस बात को उन्होंने ठुकराते ही रहे, मैं तो ठुकरा नहीं कहूँगी, ठुकराना बड़ा शब्द होता है, लेकिन मुझे कहने दीजिए और कहना चाहिए भी मुझे। उन्होंने हमेशा कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुदेव से कभी मांगा क्या? गुरुदेव से कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, आप मांगिए तो सही, आप बताइए तो सही, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास जो भी कुछ है सब आपका है, मैं तो आपके लिए समर्पित हूँ। कहा बेटे तू मेरे लिए समर्पित है तो देख मैं बोल नहीं सकता, तेरे अंदर वाणी है, तेरे अंदर हाथ है, तेरी अकल है, तेरी आँखें हैं, मुझे चाहिए तेरी अकल और चाहिए तेरे हाथ और चाहिए तेरी आँखें, जिसके द्वारा जो मैं समाज को और राष्ट्र को और सारे विश्व में मैं चाहता हूँ एक हलचल मनुष्य जाति के अंदर, मानव जाति के अंदर, वो मुझे चाहिए। उन्होंने कहा गुरुदेव बस तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है और मुझे क्या आपत्ति है, गुरुदेव सब कुछ आपका ही है, आपका ही है, तो आप नहीं समझते क्या, लाखों गुना करोड़ों गुना, मैं तो कहूँगी करोड़ों गुना उनका अनुदान बरसता रहा अभी भी बरसता है। पत्नी के लिए मांगा होता, बच्चों के लिए मांगा होता, अपने लिए मांगा होता तो एक सीमित दायरा होता, एक सीमित होते, और जो आज जितना विशाल विशाल विशालता की ओर बढ़े वो विशालता नहीं होती। सच्चे अर्थों में जो उपासना की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है। आशा है कि उपासना का और ध्यान का आप सही स्वरूप समझ गए होंगे।